हेलो सलाम नमस्ते, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत करता हूँ वापस से एक नई वीडियो में। तो अभी तक मैं आपने जो पिछले वीडियो देखा, तो मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आया वो वीडियो देखा, तो यहाँ पे पहुँच तो गया हूँ, लेकिन अभी काफ़ी बड़ा बोट होने के कारण किनारे तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इसीलिए बीच में रोक दिया है। तो अभी छोटा बोट का सहारा लेके आइलैंड पर लेके जाएगा। तो आगे क्या होने वाला है आप जरूर देख पाओगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आगे देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखो, ताकि आपको यहाँ पर आओगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चलो फिर शुरू करता हूँ। अभी भाई हालत खराब हो गया क्या, चक्कर आ रहा है ना? समंदर में नहाने जाओगे, डूब मत जाना, ठीक है? जाओ जाओ भाई, बाद में जाएगा भाई, बाद में जाएगा, बाद में जाएगा। ए भाई साहब, दो पैसन, दो पैसन आओ, दो आदमी आओ, जल्दी आओ। आजा 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 आजा, आराम से आराम से, ठीक है, आ जाओ। अब देखा नहीं होता तो तुम गए होते, अभी बच गए हम। कितना आदमी हो गया, गिनती करो। अच्छा आजा आ रहा भाई, अरे देख दो पहले एक आदमी को, तो बैठ जाओ। मैं तो नीचे बैठा रहा हूँ, कोई बात नहीं, काफ़ी डर लगता है। हाँ पकड़ के रखा हूँ। ऊपर बैठो, चलो चलो चलो। पानी कम है, लेकिन छोटा बोट मतलब इसलिए यूज कर रहा है कि बड़ा बोट वहाँ पर नहीं जा सकता। आराम से उतरना, फिसल मत जाना। चप्पल हाथ में ले लो पहले। क्यों जाना भाई आपको वापस? मेरा बैग छूट गया। किसी को बोल दो फोन करके। अरे फोन बंद किया। आते ही भीग गया यार, पूरा पेंट खराब हो गया मेरा। इसी वक्त आना चाहिए था क्या? पूरा भीग गया यार। हाँ भीगने के लिए था। आप तो मुरेसन हो ना? इस आइलैंड का नाम क्या है? गैब्रियल उसने बोला। गैब्रियल? तो आप भी पहली बार आए हो? मैं भी पहली बार। कहाँ से आए हो? नगरी है नाम। तो आप भी गंबवा से आए हो क्या? नहीं, आसपास में है, कौजाब जानते हो ना? हाँ। वो अंजू, अंजू का, अंजू आई वहीं पर रहती है। कैसा लग रहा है पहली बार आए हो तो? बहुत बढ़िया। लेकिन तो खाने पीने का थोड़ा कमी है ना। क्या कह रहे, घूमने के समय आता है ना तो खाने का कोई मतलब कोई उतना टाइम नहीं मिलता, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। नहीं लाए हो? काफ़ी धूप है, धूप की वजह से हालत ख़राब है हम लोगों का। साबिर भाई क्या हुआ, आपका बोर्ड पलट गया था क्या? तो मोबाइल भी फेंक गया होगा फिर? क्या हो गया? अरे यार ये देखो पानी निकल रहा है। पैसा भी है इसमें है क्या? अरे सब है, सब ना। नहीं इधर है, इधर इधर सब इसमें सब पानी। हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। और यार एक प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बताना पड़ेगा। क्या है कि वहाँ पे बोट पलट गया था, तो काफ़ी लोग भीग गया, जो सामान था वो भी भीग गया। लो मैं तो हेल्प कर देता हूँ।
आपका भी मोबाइल भीग गया क्या? आपका मोबाइल भीग गया? ज्यादा आदमी ले लिया था क्या? अरे यार उसका तो जान निकल जाता है, कम से कम एक एक दो आदमी लेके आता तो क्या हो जाता है यार। ज्यादा पानी था मोबाइल, पाँच छः आदमी जो है ना बोर्ड थोड़ा पलट गया था, तो पाँच छः आदमी का जो मोबाइल है ना वो गिर गया था। चलो अच्छी बात है, किसी किसी का मोबाइल बच गया, किसी किसी का तो पूरा डूब गया यार। हेलो, सब नया नया मोबाइल लेके आए। बहुत दुखद बात है यार, कोई मोबाइल नहीं बचा रहा है, बेचारा सिगरेट सुखा रहा है। यार ये क्या कर रहे हैं? यही चीज तो याद रहेगा यार। बोल दो भाई, हम लोग के साथ हो गया कांड। भैया कैसे डूबा था नाव, मतलब कैसे ऐसे डूब गया? क्या बताएं भैया, भाई साहब का मोबाइल डूब गया था ना, इसीलिए बहुत दुखद कहानी है। एक आदमी ज्यादा हो गया, मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा है, इतनी दुखद कहानी है। ये दोनों, इस भाई का, इस भाई का मोबाइल सूख रहा है यहाँ पे। कितना सारा फोटो खींचा था, कितना तकलीफ करके, फिर भी सब चला गया। फोटो तो गया गया, कोई बात नहीं, मोबाइल ठीक हो जाए बस इतना ही काफी है। ये फोटो अपन एक मिनट टूने उलट के लिए डूब को उलट के लिए पानी में, तो मैं हमने जाना थे कि पकड़ लग कम जनते ने पानी पानी पी लिए थे क्या? बहुत पी लिया, ज्यादा आदमी हो गया ना इसलिए। मेरे को मालूम नहीं कौन पकड़ा किसका, एक सिर्फ पकड़ा मेरे को मालूम। हम लोग यहाँ से देख रहा था क्या हो गया, देख रहा था यार, क्या बताऊँ यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दरअसल क्या है, उस छोटा बोर्ड में आठ ही आदमी बैठ सकता है, लेकिन वो लोग नौ आदमी बैठ चुका था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया है और सब मोबाइल ख़राब कर लिया। किसी किसी का मोबाइल जो है ना बच गया है, और एक आंटी जो थी ना उसका भी तबीयत ख़राब है पूरा, वो पानी पी लिया है शायद, इसीलिए उसका भी तबीयत ख़राब है। पालन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो धूप होने के कारण उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जो बालू देख रहे हो ना, ये पूरा बालू गर्म हो गया है। और अच्छा लग रहा है, 1500 रुपये दिया हूँ, अभी तक खाने के लिए नहीं दिया है, पता नहीं कब देगा खाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या खाने के लिए देगा, तो देखूँगा क्या खाने देता है। सुबह से कुछ नहीं खाया, झूठ नहीं बोलूँगा, घर से भी खा के नहीं आया था। सुबह 6:30 बजे उठा था, उठ के बाद गाड़ी 8 बजे आया यहाँ तक, 10 बजे पहुँचा यहाँ तक, 12 बज गया आते आते, तो अभी पता नहीं क्या क्या मिलेगा खाने के लिए।